नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वह यहां 17 से 19 जनवरी तक सरयू तट पर श्री राम कथा करेंगे। कथा आयोजन के संबंध में SDM ने अनुमति का निर्देश जारी कर दिया है। कथा आयोजन के लिए 2 लाख स्क्वायर फीट का वाटर प्रूफ पंडाल लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। आपको बता दें, बड़हालगंज की धरती पर बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के राम कथा में प्रवचन करने की अनुमति मिल गई है। कथा आयोजन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सरयू तट पर कथा 17 से 19 जनवरी तक होगी। SDM रोहित कुमार मौर्य ने अनुमति का निर्देश जारी कर दिया है। 17, 18 व 19 जनवरी को बागेश्वर धाम के बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की बड़हालगंज के सरयू तट पर कथा के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। अग्निशमन अधिशासी अधिकारी, विद्युत सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सूचित कर व्यवस्था करने का निर्देश दिया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बागेश्वर धाम के बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। राम राज्य संकल्प की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। और गोरखपुर बड़हलगंज के सभी पागलों की जय। उत्तर प्रदेश के सभी प्रियजनों की जय। हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है और हृदय बड़ा गदगद है कि बड़हलगंज में श्री बागेश्वर हनुमान जी की दया से जो पंच दिवसीय कथा थी उसमें एक विघ्न बन गया था प्रशासन के द्वारा। हनुमान जी की दया से जो है हमको सूचना मिली और 17, 18 और 19 जनवरी को 3 दिवसीय कथा का भव्य और दिव्य आयोजन बड़हलगंज में रखा गया है। जो 5 दिन का आयोजन था वह केवल 3 दिन का बचा। तो 17, 18 और 19 जनवरी को आप सभी बड़हलगंज के उस प्रांगण में पहुंचे। वहां 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगेगा और 3 दिवसीय भगवत चर्चा हम श्री सीताराम जी की आप सबको सुनाएंगे। और 18 तारीख को दिव्य दरबार भी लगेगा। आप सभी को खूब खूब हमारा आमंत्रण है। और इस आयोजन के प्रमुख हमारे बड़े ही लाडले और आयु में तो बड़े छोटे हैं पर काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्री राहुल तिवारी जी, उनका पूरा परिवार, उस क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग यह आयोजन राहुल तिवारी जी करवा रहे हैं। तो हम राहुल तिवारी जी को खूब खूब साधुवाद दे रहे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। भगवान आपको किसी की नजर ना लगावे, ऐसी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। और उत्तर प्रदेश में रहने वाले, गोरखपुर में रहने वाले सभी प्रियजनों, करो भव्य दिव्य तैयारी। अब बड़हलगंज 17, 18, 19 तारीख को आवेंगे मुगदरधारी। जय जय सीताराम।